धरती के समुद्र का ज्यादातर भाग साइंटिस्ट एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट क्या आपके मन में आया है कि इसे एक्सप्लोर किया जाए और पूरे धरती के सबसे गहरी भाग में जाया जाए जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच? तो वहाँ पे क्या दिखेगा? वास्तव में कुछ वैज्ञानिक एक्सप्लोर किए हैं, उसी का मिस्टीरियस डेटा मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आप कल्पना करो, आप अमेरिका में हो और चल पड़े दुनिया के सबसे गहरी भाग की ओर। तो थोड़ी दूर अंदर जाओगे तब आपको एक यूनिक सा ऑक्टोपस दिखेगा, डम्बो ऑक्टोपस। 9008 मीटर अंदर जाने पर मारियाना ट्रेंच में, और ये ऐसे जीव होते हैं ये जो मछलियां खाक को खाते हैं उसको एक बार में ही निगल जाते हैं अपने पेट में। फिर आपको मिलेगा कॉम जेली, और जो कॉम जेली है ये विश्व का सबसे अमेजिंग जीव में से एक है, क्योंकि समुद्र के गहराई में अंधेरे में ये बिल्कुल लाइट की तरह चमकते हैं। और आप जो ऐसे कॉन्सेप्ट देते हो ना इंटरनेट पे कि जेली इससे लाइट निकल रहा है, वो ज्यादातर इसी इलाके में पाए जाते हैं। ऐसे कई फिशेस हैं समुद्र में जो कि कभी सोते नहीं, नॉर्मल फिशेस होते हैं, बट मारियाना ट्रेंच या फिर समुद्र के गहराई वाले पार्ट पे ऐसे कई फिशेस प्रजातियों का होने की संभावना है जो कि कभी नहीं सोते। और ये भी कई अजीब अजीब जीव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लैक सी डेविल। इसे डेविल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका चेहरा ही कुछ ऐसा है, और एक अजीब सा सार आपको दिखेगा, फील्ड सार। और इसका दांत देखो और इसका बॉडी को देखो, ऐसा लगता है कोई सांप शार्क में बदल गया हो। और ऐसे कई पेड़ पौधे मारियाना ट्रेंच में आपको जाएंगे जिसके गुण के बारे में वैज्ञानिकों को पता। और भी ऐसे हजारों लाखों करोड़ों टाइप के मछलियां होंगे जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, और आप सोच रहे हैं क्यों नहीं जानते हैं। हम लोग साइंस इतना आगे पहुंच गया है ना, वो इसीलिए क्योंकि उस पार्ट में जिस सबमरीन के पास बैठोगे वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रहता है, अपने ऊपर के ह्यूज भारी पानी के कारण लाखों ट्रक्स का वजह है। और ऐसे सबमरीन बहुत रेयर हैं जो कुछ मिलिट्रीज के पास हैं और ज्यादा बनते नहीं हैं असल में, और खर्च भी बहुत है। यही कारण है कि वहाँ पर जाने कोई सोचता भी नहीं है, और खतरा भी बहुत है। असल में कुछ ही लोग उस जगह पर जा पाए हैं और थोड़ा मोड़ा जानकारी है वो लेकर आ पाए हैं, किंतु एक्सप्लोरेशन तो होना ही चाहिए, बट पूरे साइंटिस्ट के साथ टेल्स एक्सप्लोरेशन तो होना ही चाहिए ना। इसी तरह के और मिस्टीरियस जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर।